आपके साथ ही हैं, लेकिन मेरिट पर, मेरिट पर समझते हैं क्या भला? और आप अपनी कोशिश को, आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। आपने अच्छा किया कि आप गए और उन्होंने भी आपसे अच्छी बात की और गुस्सा कोई नहीं किया। ये बड़ा मसला होता है, आपको पता है कि रिलैप्स की एक निशानी क्या है? अनफॉरगिविंग एटीट्यूड्स। अजमत भाई, कभी आपने गौर किया? रिलैप्स के माइंडसेट में बंदा बड़ा अनफॉरगिविंग होता है। यार रिलैप्स का माइंडसेट ये होता है कि किसी की, मौजूम भाई मेरे पास तशीफ लाएं, असर भाई आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी, मौजूम भाई मेरे पास तशीफ लाएं। डोंट, हाँ हाँ, दूसरों को माफ ना करने का जी चाहता है। हाँ, इस तरफ नहीं ना ध्यान होता। रिलैप्स का तो पता ही नहीं होता कि रिलैप्स अनफोल्ड हो रहा है, होता जा रहा है। यही दिख रहा होता है कि ये लोग जो मुझे मैनेज कर रहे हैं या मेरे साथ रिश्ते, ये जुल्म कर रहे हैं। इब्रार भाई, रिलैप्स का माइंडसेट बड़ा अनफॉरगिविंग माइंडसेट होता है। किसी कमजोर लम्हे में आपके इर्द गिर्द के लोग छोटी मोटी गलती कर सकते हैं ना। हाँ, अगर आपके रिलैप्स माइंडसेट को पहचानना है तो एक चीज, आपका अनफॉरगिविंग एटीट्यूड भी होगा। रिकवरिंग एडिक्ट जो मौका ढूंढेगा और मौका ढूंढ के ऊपर गलती, हाँ वो आगे आ रहा है, बल्कि कई मर्तबा तो। अली सलमान बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, नहीं बैठ जाए आराम से। कई मर्तबा तो वो ऐसे हालात को पैदा कर देंगे कि घर वाले गलती करने के अलावा कुछ और कर ही ना सके, क्योंकि हमने ये भी तो सीखा हुआ है ना कि दूसरे गलती करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ना। इट इज ऑल अनफॉरगिविंग माइंडसेट की आप बात कर रहे थे जी सर, और वसीम की बात हो रही थी, बिलाल वसीम की बात हो रही थी, और फॉरगिवनेस की बात हो रही थी, तो इनका नशे की बीमारी या बहाली से क्या ताल्लुक? यानी जो पेशेंट है उसका नजरिया यह है कि मैं बार बार फॉरगिवनेस मांगूं और बार बार मुझे मौका दिया जाए, वही गलती हो गई कि चांस दे दो, ये पेशेंट का मंत्रा है ना। हाँ सर, ये डॉजीनेस है, ये फॉरगिवनेस है ही नहीं, ये तो डॉजीनेस है कि मैं आपसे को नहीं, नहीं ये रोज होता है ना, ये रोज होता है, खाली एडिक्ट्स के साथ नहीं होता। जो बाकी लोग इल्लतों का शिकार हैं वो भी बार बार मौका मांगते हैं और उनको बार बार मौका दिया जाता है, और इससे कोई फायदा होता है? आप देखें ना, वो कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उस जगह की बेकदरी की थी जिन्होंने मुझे रखा था पहले, और मैं वहां के किसी वर्कर की बात का बुरा मना के वहां से खिसक गया दोपहर को, जो मालिक को मिले बगैर, जिस मालिक ने रखा था, हालांकि वर्कर ने नहीं रखा, वर्कर ने नहीं रखा था, लेकिन वर्कर ने इनको कुछ किसी गलती के ऊपर कुछ उलझन पैदा की, तो ये मालिक के पास नहीं गए, ये छोड़ के आ गए, और अब ये गए और इनका ख्याल था कि फौरन वो मेरे पैर ही पै जाएगा। किबला, आपको ये पता चला है कि ये रियल वर्ल्ड है, या ये पता चला है कि एक एडिक्ट जो है वो अपने आप को किंग बेबी समझता है? वो गर्दन दे पीछे की लिखाया है तुसी? बिलाल भाई दिखाई नहीं देता, ये आपका किंग बेबी होना ना बिल्कुल जैसे गर्दन के पीछे टैटू है ना, आप इसे देख नहीं सकते, इसी तरह किंग बेबी माइंडसेट या सिंड्रोम भी यही है, ये दिखाई नहीं देता जो बंदा इसमें मुब्तला होता है। मतलब कोई भी बंदा जो भी काम कर ले वो फॉरगिवनेस ते वटते पई है। सर फिर क्या कह रहे हैं, ले आओ फॉरगिवनेस,
कह रहे ही नहीं चाहिए मौका और दो, कह रहे जी दसो हूं मैं की करा, दसो हूं मैं की करा। इस तरह कंपनसेट कर सकते नहीं, कंपनसेट नहीं, बाबा दसो जी बा हो गया जो वकुआ होना सी, जो हादसा सी वो हो गया, तो हूं दसो मैं हूं की करा। नहीं पूछना चाहिए, रियलाइज करेगा तो पूछेगा ना कि मैं हूं की करा। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਲੈਂਸੀ ਸਟਰੀਟ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, जहाँ नशे के मरीजों की नई ज़िंदगी का बंदोबस्त किया जाता है, और उस अदारे में पेशेंट्स दो तरफ से आते हैं। एक पेशेंट्स जेल से आते हैं, दूसरे पेशेंट स्ट्रीट से आते हैं। कोई वालदैन वहाँ नहीं एंटर हो सकते, कोई वालदैन से उनकी सलाम दुआ नहीं। ये सैन फ्रांसिस्को में, ये सैन फ्रांसिस्को में इलाका ये मौजूद है। एक 25 कनाल जगह है ट्रायंगुलर सैन फ्रांसिस्को में, एम्बार्काडेरो एक जगह है उस इलाके का नाम है जो साहिल समंदर पर है, और वहाँ ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ लोग जेल से आते हैं ओनली वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए, और जेल में वो नाम लिखाते हैं जिनको 10 साल 14 साल 12 साल सजा होती है, तो वो नाम लिखाते हैं कि अगर मुझे इलाज में भेज दिया जाए तो अगे थोड़ी मर्जी, भाई जान आप कहीं बैठ जाए, गोलियां टाफियां नहीं बेचनी, ठीक है। तो जेल से आते हैं तो वो क्यू में नाम होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं, तो अगर एक दफा वहां से चले जाए तो जिंदगी दोबारा नहीं आ सकते, और अगर स्ट्रीट से आते हैं तो उनके कॉरिडोर में आके रोज बैठते हैं, एक बेंच पे बैठ जाते हैं और बेल बजा देते हैं कि मैं आ गया हूं, और उसको कई कई दिन वो पूछते नहीं, कई कई दिन उससे बात नहीं कोई करता, और फिर वो आखिर देखते हैं कि एक दिन ये रोज आ रहा है तो उसको कहते हैं कि है प्रोग्राम ते आ जाओ वन टाइम ओनली। तो अगर आप ये जाके करें कि आपने उनको बताए बगैर वहां से खिसक गए जो मेहरबान लोग थे, और नदीम नूर साहब ने शायद रेफर किया था आपको, मेरा क्याफा है पक्का पता नहीं, आपने रेफर किया था तो आपके कोई जानने वाले थे, और आपने इनको भी लेट डाउन किया, उनको भी लेट डाउन किया, और अब आप गए थे तो आपके दिल में मान था कि जानते हैं मेरे पैर ही पै जाएंगे, और आपको अभी तक सिर्फ आधी बात समझ लगी है कि दिस इज रियल लाइफ, ये बात नहीं समझ लगी कि दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती, दुनिया मेरे इर्द गिर्द भी नहीं घूमती, कसम है खुदा की दुनिया मेरे इर्द गिर्द भी नहीं घूमती। बहुत लोग हैं मेरी जिंदगी में, अहम लोग हैं, लेकिन उनको कोई इससे मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी किधर जाएगी। हकीकत में दुनिया मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती, मैं दुनिया के इर्द गिर्द घूमता हूं, कभी मैं इसके इर्द गिर्द, कभी मैं उसके इर्द गिर्द, कभी मैं उसके इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे दुनिया से रिश्ता बनाना है तो मुझे दुनिया के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। जो नजर आएगा प्यारा बंदा, जो काम का बंदा नजर आएगा, जिससे मेरा कोई रिश्ता नाता बन सकता है, मैं उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करूंगा। मेरे इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूमती, आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमती। और ये जो एक तसव्वुर होता है ना कि जरा सी बात पे वालदैन फौरन कहते ठीक है, वो कह रहे अभी ऐसे ही उसके मुंह से निकला, कहते सॉरी कह रहे हो, नहीं पुत्र कोई गाल नहीं, कोई मसला ही नहीं, दस बर्गर मंगाइए। इस तरह मसले हल नहीं होंगे, मसले उलझते रहेंगे, रंजिशें बढ़ती रहेंगी, काम खराब होता जाएगा जब तक आप ये फॉरगिवनेस में से नहीं निकलेंगे। फॉरगिवनेस जो है वो आपको चाहिए कि दूसरों को करें, दूसरों को ना कहें कि वो आपको फॉरगिव करें, आपको चाहिए कि उनसे माफी मांग लें, उनको माफ कर दें, ये आपका काम है, दूसरों का काम नहीं है। वो करे ना करे उनकी मर्जी है, हमने अपना फर्ज पूरा करना। जी यही समझाया है कि
कि जब तक ये माइंड सेट नहीं होगा और बंदा ये नहीं सोचेगा कि मैंने दुनिया के इर्द गिर्द तवाफ करना है, दुनिया ने मेरे इर्द गिर्द तवाफ नहीं करना। अगर हम ये सोचते रहे कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द तवाफ करेगी, मैं कितना भी कैसा भी कोई भी हूँ, ऐसा होएगा नहीं। नहीं, आप माफी मांग ले, लेकिन ये तो माफी ऐसे तो ना मांगे कि माफी दियो ना मैं, ऐसे तो ना करें। मतलब बाज़ुकात लोग ऐसे कहते हैं, कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, 5 मिनट पिछो आवा तो तू मैं माफ कर चुकी हो। खामद बीवी नू कई दफा कह देते, कई दफा खामद बीवी नू भी कह देते हैं तू माफी मांग, कोई कसूर किया है या नहीं किया पर तू माफी मांग। तू उन कसूर नहीं करेगी तो ऐसा मतलब है कि तू माफी नहीं मांगेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठे रहे ना बिल्कुल। इतो उठो तो उत्थे चले जाओ, चलो उत्थे एमरजेंसी, वो एक वाशरूम रखे उत्थे उस कोने च। नहीं, बात मानना सीखे, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, उधर जाए, चले वहां पहुंच जाए, उधर ये सीट खाली कर दे, वहां चले जाए, यहाँ डिस्टर्बेंस ना पैदा करें, उठे शाबाश, रवा रवा उधर चले जाए, उस जगह से जाके देखो केड़ी था मान दिया। तो ये जो फॉरगिवनेस है ना, ये साइंस में इसका कोई मुकाम नहीं है। आप अगर साइंस की दुनिया से वाकिफ हैं तो साइंस में फॉरगिवनेस का कोई मुकाम नहीं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि साइंस में कोई फॉरगिवनेस का मुकाम है? नहीं, साइंस में फॉरगिवनेस होती है? साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक कामों में, इलाजों में नताइज होते हैं, नताइज होते हैं। देखें, हमेशा नताइज होते हैं। जो भी कमी कमजोरी रह जाएगी किसी भी काम में, उसके नताइज होंगे। देखें, ये एक बड़ी पक्की आदत है कि मैं गलती करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, फिर मैं गलती करूंगा, मैं फिर माफी मांगूंगा और मैं इसे वतीरा बना लूंगा। ये पैकेज बहुत अच्छा है। इससे अच्छा पैकेज है दुनिया में कोई? इससे अच्छा कोई पैकेज नहीं है कि मैं गलती करूंगा इरादतन, मैं माफी मांगूंगा खुद से, उसके बाद मैं फिर गलती करूंगा, फिर माफी मांगूंगा, फिर गलती करूंगा, और इसको मैं रोजाना सुबह दोपहर शाम और सोते जागते मैं इस काम को प्रैक्टिस करता रहूंगा कि मैं गलतियां करी जाऊंगा इस इरादे से कि बाद में मैं माफी मांग लूंगा। पैकेज बुरा नहीं है। पहली बात तो यह कि माफी मांगना छोड़ दे। पहला तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो माफी का ढकोसला है ना, ये छोड़ दे। देखे ना, अगर आप किसी से ज्यादती करते हैं तो माफी छोड़ दे, तलाफी कर दे, आप वो रवैया दोबारा ना करें। मुझे बताइए, कई खामद अपनी बीवी की पिटाई करते हैं, ये उनके फरायज मनसबी में शामिल है। कई खामद जो हैं वो अपना समझते हैं कि ये भी उनका फर्ज है, और अगले दिन कहते हैं हम तुम्हें माफ कर, तो मैं तो नु करानी शॉपिंग, तू कह सी ना फलानी फलानी चीज लेनी है, तो फिर अब मैं तेन वो चीज लेके देनी है। और बीवी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहिए तोहफा, मैं नहीं कर दी माफ। उन्हें क्या, जो माफी नहीं देंगी तेनू एक और फेंटी लग सकती है। मुतालबात की मंजूरी तक जो है, तू मेरी माफी कबूल कर, अगर तू मेरी माफी कबूल नहीं करेंगी तेनू एक और फेंटी लगेगी, और 5 मिनट के बीच बस ते कुल 5 मिनट है ने, मैनू माफ कर दे, एडी जोरदार माफी। ठीक है, तो बीवी को क्या जवाब देना चाहिए? कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बदला हुआ सलूक, मुझे बदली हुई इज्जत, मुझे बदले हुए हालात चाहिए, दैट्स ऑल, मुझे माफी नहीं चाहिए। क्योंकि माफी होते ही इधर माफी अलग गिल्ली है, सुक्की भी नहीं, तो बंदा आगे तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है।
उसका मतलब आपको पता है कि माफ़ी क्या है और तलाफी क्या है और इजाफी क्या है, लेकिन जो ही माफ़ी होती है ना तो बंदा कहता काम ठीक हो गया, हूँ मेरिया कोई शरायत नहीं। चले मैं तलाफी के मुतलक बताता हूँ कि तलाफी क्या, कि एक बंदे की बीवी नाराज़ होकर महके गई हुई है और उसको कोई 80-90 दिन हो गए हैं गए हुए, और मैंने उस बंदे को मशवरा दिया कि उन्होंने खर्चा तो भेज दियो ताकि तुसी गल करन जोगे हो, वो क्यों वापस आए, उन्होंने खर्चा तो भेज दियो। कहते जी भेज देंगे। मैं क्या किन्ना खर्चा भेजोगे? तो उन्होंने कहा कि जो हमारा खर्चा होता है घर में वो कोई, अगर मैं 70,000 भेज दूं, तो मैंने कहा 3 महीने का मिला के तो ये बनता है 2,10,000, तो ये तो भेज दें पहले। कहते फिर बाकी जो आगे आने वाला वक्त है जब तक कि वो नाराज़ है राज़ी नहीं होती तो तब तक क्या? तो मैंने कहा नॉर्मली आप घर में रहते होंगे तो कुछ खर्चा होता होगा ना? तो उन्होंने कहा कि घर में जब रहते हैं तो जो खर्चा होता है वो 1,70,000 होता है। तो मैंने कहा जाहिर है उसमें आपका भी खर्चा होता है तो आपका भी खर्चा हुआ होगा, तो चलो 130 भेज दे। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं 130 भेज दूंगा। थोड़ी देर के बाद उस बंदे ने मुझे क्या बताया था 10-15 मिनट के बाद के कितना खर्चा मैं भेजूंगा, 40 भेजूंगा। सेकंड थॉट ये आ गया 15 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट से भी पहले, 15 मिनट से भी पहले। तो इसका मतलब ये है कि जो ही ये पता चला कि हालात कुछ करवट बदल रहे हैं, दो बंदे मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा था, मैं शुमाइला मेहनत कर रही थी, उनको कॉले कर रहे हैं, उनसे मैं आज ही कल ही मुलाकात करके भी फारग हुआ था। जो ही आपको पता चला ना कि कोई मेरे हालात ठीक होने वाले हैं, तो ही कैसे पैंतरा बदला आपने? नहीं बस समझ गए, कोई और भी समझे बात को, कि जो ही आप थोड़ा बहुत नरम गोशा पैदा करें, जो ही आपके माथे की त्यूड़ियों में से एक कम हो जाए तो उसी वक्त अगले बंदे का इरादा होता है कि हुन मैं अगला पंगा की करना है। ए तलाफी है, ए तलाफी है कि जेड़ा डैमेज कीता है कि खर्चा नहीं दिता तो वो दे दियो, ए तलाफी नहीं समझ अगी जी। मतलब एक बंदे नू तुसी जेड़ा कि तुहाडी जिम्मेदारी है और उन्हें आपे ही मार के नाराज करके ते पेके भेजिया ते फिर उत्थे खर्चा भी नहीं भेजिया, ते खर्चा भेजना ते पहले तलाफी है ना? माफ़ी दी ते ऐसी गल, माफ़ी दी गल नहीं की थी तोड़ नाल, नहीं की थी गल, हमने कहा नहीं कोई माफ़ी नहीं मांगनी, आपने हत्या के बड़ी ज़ोरदार माफ़ी मांगने के लिए ऑफर किया, आपने कहा कि मेरी अम्मी जाके भी माफ़ी मांग लेगी। मैं कहा काहे को, माफ़ी शाफी की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी नहीं चाहिए, आप तलाफी कर दे, कुछ इजाफी कर दे, इजाफी अखलाक है, हुस्ने अखलाक, इजाफी हुस्ने अखलाक है। लेकिन मुझे बताइए कि ये हरबा मेरे इन सब बच्चों का बहुत पक्का हरबा नहीं है कि माफ़ी मंगो तो फिर तंग करो तो फिर माफ़ी मंगो तो फिर वही काम करो तो फिर माफ़ी मंगो तो फिर वही काम करो, और पता नहीं होता कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो फौरन मिल जाएगी, वट ते पई माफ़ी, पता होता है ना? पहली दफा आपने भागने की कोशिश की थी तो आपको पता नहीं था कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो मैं डॉक्टर साहब कहूंगा डॉक्टर साहब माफी दे दो आइंदा नहीं करूंगा, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? फिर दोबारा आपने वही काम किया, दोबारा अटेंड, तो मैंने गलत किया था ना कि आपको इशारा दिया कोई बात नहीं बेटा जाओ जाके अपने इलाज में चलो, गलत परसीव किया। तो वालदैन को ये सारी बात समझने की जरूरत है कि ये जड़ी माफिया की बरसात है ना, ये नहीं करनी माफिया की बरसात। वजह बिकॉज इट इज़ नॉट रियल लाइफ, इट इज़ एन इलनेस, ये एक बीमारी का मामला है, ये इलाज मुआलजे का मामला है, ये रियल लाइफ नहीं है। अब आपको समझ लगी कि रियल लाइफ में आई एम सॉरी इट्स ऑल राइट ये सब चलता रहता है, लेकिन जहाँ नशे की बीमारी, हम हर बात नशे की बीमारी के पस मंज़र में करते हैं, जब आप रियल लाइफ गुजार रहे होते हैं और आपका पाँव किसी के पाँव पे आ जाता है, आप कहते हैं आई एम सॉरी आई अपोलोजाइज,
या किसी का कोई नुकसान कर देते हैं, कोई बेदबी कर देते हैं, कोई मसला हो जाता है, पर व्हेन इट कम्स टू डिजीज ऑफ एडिक्शन, जब कोई नशे की बीमारी का मामला हो, जब कोई दिल की बीमारी का मामला हो, जब डायबिटीज का मामला हो, माफी भी कितों आ गई। अब आपको समझ आई कि जब बात बीमारियों की है, मलेरिया की है, टीबी की है, तो माफी कितों आ गई। माफी का कोई लेन देन नहीं, माफी का लेन देन है कारोबार में, जिंदगी में, ट्रैफिक में। जी देखिए, ये स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता कि अगला बंदा बीमार नहीं है। हो सकता है वो भी बीमार हो, हर एक बंदे की अपने हिस्से की बीमारियां हैं, लेकिन अपने हिस्से की बीमारी कोई पहचाने नहीं। अपने हिस्से की बीमारी पहचानना सिर्फ आपका काम है, दूसरे के हिस्से की बीमारी वो खुद ही पहचान लेगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, अगर किसी को ओसीडी है, तो मजबूर है, उसमें माफी की क्या बात है। उसको तो आप कहेंगे कि अपने इलाज की तरफ तवज्जो दो, आप उसे नहीं कहेंगे कि आइंदा तुम ओसीडी वाला काम ना करो, आप उसे नहीं कहेंगे कि आइंदा हाथ मत दो, आप उसे नहीं कहेंगे कि दो दो घंटे वॉशरूम में मत घुसे रहो, आप उसे ये कहेंगे अपने इलाज पे तवज्जो दो तो मैं मुतमिन हूँ। नहीं, तब भी ये कहेंगे कि वो अपने की जिम्मेदारी है, आप अपने की जिम्मेदारी। देखिए बात सुने कि वो उनकी बीमारी का इलाज उन्होंने कराना है, और आप उन्हें कहें कि आपको कोडिपेंडेंस है, आप अपनी कोडिपेंडेंस का इलाज कराएं, और घर वाले कहें कि भाईजान आपको एडिक्शन है, आप अपनी एडिक्शन का इलाज कराएं, तो दोनों का मसला हल हो गया ना। क्योंकि जब घर वाले कभी साइलेंट हो जाते हैं, कभी वायलेंट हो जाते हैं, कभी एनेबलिंग करते हैं, कभी प्रोवोकिंग करते हैं, कभी आथापाई पे उतर आते हैं, कभी प्यार करने पे उतर आते हैं, तो ये कोडिपेंडेंस है ना। कि मसला जब होता है मियां बीवी का, अक्सर जब झगड़ा होता है और फिर भी वो साथ रहते हैं झगड़े के बावजूद, तो ये कोडिपेंडेंस होती है, ये लव हेट रिलेशनशिप होता है, जो उन्हें बार बार एक दूसरे के साथ गुस्से होने और बार बार वापस प्यार में आने के लिए मजबूर करती है ये चीज़। तो ये बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। ये जो कोडिपेंडेंस है, विच इज़ ए वेरी कॉमन थिंग, माँ बाप की कोडिपेंडेंस औलाद पे, औलाद की कोडिपेंडेंस माँ बाप पे, और बीवी की खामद पे, खामद की बीवी पे, ये कोडिपेंडेंस आखिर है क्या जो रोगी कर देती है बंदे को। देखिए एक चीज़ होती है इंडिपेंडेंस, एक चीज होती है डिपेंडेंस, एक चीज होती है कोडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस क्या है? एक इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। एक इंटरडिपेंडेंस है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, कि आप मेरे लिए कुछ करें, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। और जो ही कोई हमारे लिए कुछ करता है तो कहते हैं कि अब मेरी बारी है, अब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। एक डिपेंडेंस है कि तुम मेरे लिए करी चलो, मैं तो पीर हाँ, मैं तो मुर्शद हाँ, मेरे लिए तुम करी जाओ, आओगे तो की ले आओगे, तो असी आवेंगे तो की दोगे, ठीक। तो ये वो जो है डिपेंडेंस है। कोडिपेंडेंस ये है कि मैं और आप एक दूसरे को रोग की तरह लग जाएंगे, मैं आपका कुछ नहीं संवरने दूंगा, आप मेरा कुछ ना संवरने देना, तुसी मेरा बेड़ा गर्क करो, मैं तुहाडा बेड़ा गर्क करांगा, असी रल के एक दूजे का बेड़ा गर्क करांगे। ये है कोडिपेंडेंस, ये पैथोलॉजिकल है ना। रोग, रोगी रिश्ता, रोगी रिश्ता जी। विदाउट नहीं रह सकते, विदाउट नहीं रह सकते, जनरल पूछो तड़फन लगी जड़ी। मसला ये है कि ना साथ रह सकते हैं ना दूर रह सकते हैं, वही एडिक्शन वाली बात ही है ना। नशे के साथ नहीं रह सकते, नशे के बगैर नहीं रह सकते, दोनों के अपने अपने खुमियाजे हैं, दोनों के अपने अपने। तो आप मुझे बताइए कि हेल्दी चीज़ तो इंटरडिपेंडेंस है, जो कि आप देखें बच्चों में होती है,
बच्चे स्कूल में एक दूसरे से कहते हैं कल तुमने मुझे टॉफी दी थी, आज ये मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूँ, वो खुद ही ऐसी बातें कर रहे होते, वो कुछ लेन देन कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है। फिर ग्रेजुअली जिंदगी में वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जिन्नी मनवा लो उन्नी थोड़ी है, क्योंकि आस्क जो है, आस्क ये दुनिया का सबसे कारामद लफ्ज है, मांग लेना, मांग लेना। आप ऐवी किसी सड़क के किनारे हाथ इंज करके बह जाओ, फिर देखो शाम को कितनी लहर बहर होती है, करके देखो। अब मुझे बताइए कि भला क्या होगा कि अगर किसी सड़क के किनारे आप बैठ जाते हैं गले में एक रुमाल डाल के और हाथ ऐसे कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या होगा? हाँ देखो ना, तजर्बा है। हाँ 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 आप गाड़ी में कहीं आके खड़े होते हैं तो कोई आके तो आपको कहता है कि कुछ दे दें मुझे, खैरात वगैरह दे दें, मैं दुआ करूंगा, वो हिसाब लगा लेता है कि आपको इस वक्त किस दुआ की जरूरत है। मतलब अब्दुल्ला अगर गाड़ी में हो तो वो ये कहेगा कि अल्लाह तुम छेती छुट्टी कराए, अल्लाह तुम छेती छेती कार भेजे, विलिंग बेस तो जान छुड़ाए। ये विलिंग बेस दी गाड़ी जो है ना, समझाने के लिए कह रहे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो गाड़ी के बाहर है वो अपने लिए क्यों नहीं मांगता दुआ, वो अपने लिए क्यों नहीं मांगता, तुहाडे लिए क्यों मांगता है? वो जेडी चीज इफेक्टिव है जी, सेल्फलेस है, आपका नहीं सोच रहा, आपका सोच रहा है, कारोबार है ना, वो जरूरत पूरी कर रहा है, वो जरूरत पूरी कर रहा है ना। लेकिन आप भी तो इस चीज को, आइडिया को बाय करते हैं कि नहीं करते, कि अगर कोई बंदा आपके लिए दुआ करे तो आप उसे पैसे देते हैं कि नहीं? शेम होती है इसमें जोड़ी से जी, अपनी शेम होती है, वो कोई पूरी करनी होती है सोच कि मैं कहीं गलती पे हूं, तो वो गिल्ट इंड्यूस करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। वो इसलिए ताकि दोबारा कोई पकड़े, क्योंकि परिंदे आजाद इसलिए किए जाते हैं कि वो कोई फिर पकड़े, क्योंकि जब कोई परिंदे आजाद कराता है तो पस मंजर में कोई सोच रहा होता है कि यह पेशा चंगा है अगर चिड़ियां फड़ फड़ के बेचिए तो लोग आजाद करान, तो चिड़ियों के पकड़ने की वजह कौन लोग हैं? जो आजाद कराते हैं, पकड़ने की वजह तो वही है ना जो आजाद कराते हैं। तो इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जानी चाहिए कि चिड़ियां पकड़ने वाले चिड़ियां पकड़ते इस वजह से हैं कि कोई आजाद कराता है। लेकिन अपनी गुड फीलिंग के लिए मासूम चिड़ियों को पकड़ने का काम चलता रहे जी, चिड़ियों वाला काम गलत है जी, क्या चीज ऐसे भी करते हैं? जाहिर है अपने प्रोफेशन में इनोवेशन की हर एक को इजाजत है, मतलब इसमें तो उनके लिए आसानी है कि यहाँ से उड़े। वो एक बंदा है जिसने कोई कबूतर मुहैया किए थे और उनमें से एक कबूतर मियाँ नवाज शरीफ के हाथ पे आके बैठ गया था। वो बंदे ने आजकल सोशल मीडिया पे कहा है कि वो कबूतर मैं 5 लाख का बेचने के लिए तैयार हूँ और ये उसकी ऑक्शन है जी, हाथ के साथ नहीं, वो उसने बंदा मंजर आम पे आया कि जी वो कबूतर मैंने मुहैया किया था और ये है वो कबूतर जो कि मैं कम से कम 5 लाख से बोली शुरू करूंगा, ऑक्शन शुरू करूंगा। तो जाहिर बात है कि अब वो ऑक्शन होगी, वो होनी चाहिए और लोग आएं और कहें कि जी मैं 6 लाख देता हूँ, कोई बोले मैं 7 लाख देता हूँ, बोले मैं 10 लाख देता हूँ, ऐसे हाइप बनती है ना, ऐसे जरा गिमिक बनता है ऐसे। जैसे शर्ट की बनी थी इमरान खान वाली, हाँ जिले के बाद से जिले कबूतर, जिले कबूतर। तो आप में ये बात आती है कि जब आपको सड़क पे
बंदा जो बहुत बुरे हाल में है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और वो आपको ट्रैप कर रहा होता है, दुआई दे रहा होता है या कुछ कर रहा है, तो आप नहीं सोचते कि यार अगर ऐडा ही करनी वाला हो ते ए घर बैठे अपने लिए कर ले कम, साढ़े लिए जरूर सड़क से आके पे कर दे। ये डिलूजनल सिस्टम है, डिलूजनल सिस्टम है एक जो कि साइंस के मुकाबले में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। डिलूजनल सिस्टम है, साइंस का सिस्टम ये नहीं है। साइंस कहेगी कि जी एविडेंस दो, देखा जाएगा, नापा जाएगा, तोला जाएगा, और अगर नतीजा गलत निकलेगा तो कोई माफ़ी नहीं दोबारा। एक बंदा था जिसने बलूचिस्तान में एक सुरंग डिज़ाइन की थी, और आमतौर पर जो पहाड़ों में सुरंग होती है उसको दोनों तरफ से वो शुरू कर देते हैं बनाना जी, उसकी जो माइनिंग करनी होती है, जो निकालनी होती है, मिट्टी पत्थर निकालने होते हैं, तो वो ऐसा साइंटिफिक हिसाब किताब होता है कि वो पहाड़ के दोनों जानब से उसको वो बनाना शुरू कर देते हैं। और ये पुरानी बात है और सच्ची बात है कि एक इंजीनियर ने वो हिसाब किताब लगा के तो वो सुरंग बनानी शुरू की, और जिस दिन उस सुरंग ने दोनों तरफ से आके आमने सामने मिलना था उससे एक दिन पहले उस इंजीनियर ने दोबारा एहतियातन परेशानी में एंग्जाइटी में हिसाब किताब लगाया कि आया मेरा हिसाब किताब ठीक है, ये जो सर्कुलर रिंग है ये आपस में आके तो बराह रास्त मिल जाएगा। तो जब उसने हिसाब किताब लगाया दोबारा आखिरी दिन तो उसे पता चला कि नहीं ये गलती हो गई है, रिंग रिंग के साथ नहीं मिल रहा और ये सारा नुकसान हो गया। और उसको इतना सदमा लगा कि उसने सुसाइड कर ली। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो खुदाई मजीद की गई तो क्या सामने आया भला, रिंग से रिंग मिला हुआ था। तो मैं नहीं कहता कि खुदकुशियां इस तरह करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि एक जिम्मेदारी भी एक चीज होती है। लेकिन जिस बंदे को पता हो कि मैं माफी एक्सपर्ट हूं, मैं माफी खान हूं पूरा जी, आज तक करना ही पड़ेगा, मुझे पता है पहले करके आना था ना। यानी आप समझते हैं कि ये बेकार का शुगर है, यूजलेस। हाँ, तो अगर हम अपनी जिंदगी में ये कहना शुरू कर दें कि नहीं माफी नहीं चाहिए, तलाफी चाहिए, आइंदा रवैया बदला हुआ चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर है ना, सबसे बेहतरी। और ये नजर आने लगा था पेरेंट्स की नजर पे, जब उन्हें तसल्ली रहती है ना कि इसका पैराडाइम अब शिफ्ट हो गया। जैसे अब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे बाबा पीछे 100 काले नहीं करते मुझे कि पता नहीं कहाँ होगा, या हमें करनी भी नहीं पड़ती, मैं खुद ही बता देता हूँ या कुछ भी, उनको टेंशन नहीं होती है मुझे देख के। आप कहते हैं ना कि अगर उनके चेहरे पर सुकून नहीं आ रहा तो फिर वो कहाँ का हमारा रिलेशन हो, तो अब उनके चेहरे पर सुकून रहता है जब भी मैं उनकी तरह जाता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि वो मैं जितनी माफियाँ मांग लेता वो ना होता, जो मैं अब नॉर्मल जा रहा हूँ उससे वो सुकून। और आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं कि तुसी मेरे ते ट्रस्ट नहीं ना कर देते, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट डिमांड करना, ट्रस्ट डिमांड करने वाली चीज़ नहीं ये, या तो कोई करता है या कोई नहीं करता। लेकिन जब पहली दफ़ा किसी घर में नशे की बीमारी डिस्कवर होती है, दरियाफ्त होती है, किसी को पता चलता है कि मेरा प्यारा जो है या फैमिली मेम्बर नशे की लत में पड़ गया है, तो आपको पता है कि वो कैसे सोचता है, वो कुछ भी नहीं कहता ज्यादातर। आप सबको तो पता होगा, आप इस तजर्बे में से गुजरे हैं, आप कहते हैं कि यार अभी तो पहली बार है, तो ऐसे कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, किसी बंदे को मौका देना चाहिए कि वो खुद ही अपने नक्स को सुधार ले, पहली बार है। क्योंकि जो भी गलती कोई बंदा पहली बार करता है, अमूमन घरों में दफातर में पहली गलती के बारे में बहुत एक पॉजिटिव सा एटीट्यूड होता है,
कि पहली दफा कीती है इन्हें गलती। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या चाहिए? आ जाए इधर, डॉक्टर है कोई तो इनको अटेंड कर। लेकिन सर आप तो कहते हैं एक मौका देना, नहीं नहीं वो मौका आप दूसरी दफा नहीं देते तो पहली दफा के नतीजे में नहीं देते। मैंने नहीं कहा कि एक मौका दे के अगली बारी मौका नहीं देना चाहिए था। मैं जो कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको कोई डॉज करता है तो अगर कोई बंदा आपको डॉज करता है तो आप दोबारा मौका ना दे। पर पहली दफा तो तुसी उन्हें मौका नहीं सी दिता, उन्हें आप ही कर लिया सी। तो तब नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए हम बात जिस जगह कर रहे हैं ना, ये देखिए ये जिस जगह हम बात कर रहे हैं, चलो फटाफट चलो फटा तुसी एंजे जी में चौथा महीना लगा होगा। अच्छा तो बैठो बैठो रोजक। अच्छा तो जब पहली पहली बार होता है तो घर वाले अमूमन कहते हैं, मसलन अगर पता हो तो एक बंदे को पता है तो वो बंदा ही सिर्फ बात करता है, बाकी लोग बात नहीं करते कि चक्का खुल जाएगा। बहुत ज्यादा ये बहुत गलती है, क्योंकि जब पांच बंदे होते हैं और एक कहता है कि ये जो तुम सिगरेट पी रहे हो तो ये ठीक नहीं कर रहे, और बाकी चार बंदे ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो सिगरेट पी ही नहीं रहा है, तो उसको ये तासर मिलता है कि खैर है, मतलब ये चार बंदे तो कुछ नहीं ना कह रहे, उसको भी पता होता है कि बाकी चौं भी पता है, बाकी चार सोच रहे होंगे ने कि इस बंदे झाका रहन दो। झाका चलता रहता है तक काका आ जाता है। वो तो तुहाडे हुण हालात होए ने ना, पहले दिन नहीं ऐसा था, पहले तो बहुत झाके होते हैं, तो अमूमन पहले जो है जब कोई बंदा पहली गलती करता है ना तो यू शुड क्विकली इंटरफियर इन दैट, इंटरवीन इन दैट क्विकली, मतलब आप किसी बंदे को ये सोचने का मौका नहीं देते कि जो कुछ मैंने किया है ये ठीक है, क्योंकि अगर आपने दखल नहीं दिया तो उसका जहन कहेगा कि इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके करीबी रिश्तों में कोई बंदा पहले पहले जो गड़बड़ करता है, पहली गड़बड़, तो आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर कि ये गड़बड़ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी दो फिक्रें बोलने कि ये जो बात है ना ये गड़बड़ बात है, ये गलत है, ये करने वाला काम नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बात ख़त्म। लेकिन जब आप एक दफ़ा नहीं करते, दो दफ़ा नहीं करते, दस दफ़ा नहीं करते, तो आपके अंदर ये एक साइलेंस जमा होना शुरू हो जाता है और आपका पैमाना सब्र भरना शुरू हो जाता है, और एक दिन धमाके से आपका पैमाना ये सब्र लबरेज हो जाता है और आप बोल पड़ते हैं, आपकी टोन ऊंची हो जाती है, आप अल्टीमेटम देते हैं, आप धमकियां देते हैं, आप बुरा भला कहते हैं, आप बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं, आप लेबल लगाते हैं, आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, ये सब कुछ करते हैं। जब ये सब कुछ करते हैं तो दूसरा बंदा जो देख रहा था कि काफ़ी अरसे से आप सब देख रहे थे, चुप थे, तो वो कहता तुम पागल हो गए हो। वो हमेशा सोचता है कि जो छः महीने तुहाडे सामने सब कुछ हुंदा रहा है तो तुसी बोले नहीं, तो अज बोले हो तो मुर्दा कवर फाड़ के ही बोलिया, तो वो कहता है कि ये एक्चुअली ना थोड़ा दिमाग चल गया, और एक्चुअली आपकी जो फितरत ही खराब है, आपकी बनावट ही खराब है, तुसी बंदे ही नहीं ठीक। क्योंकि उसका कोई तजर्बा नहीं होता अकाउंटेबिलिटी का, तो वो ये एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। जब घरों में कोई इल्लत का शिकार होता है कोई दूसरा, तो हम कहते हैं कि
इसकी बनावट में कोई खराबी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट है, इसके अंदर कोई नक्स है, जिसे आप जीन्स कहते हैं साइंस की जुबान में, लेकिन जब आप खुद कोई इल्लत का शिकार होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं हालात का मारा हुआ हूं। जब दूसरा बंदा नशा करता है और मसाइल पैदा करता है तो उसकी बनावट में खराबी है। जब घर वाले प्रोवोकिंग करते हैं या कोई इल्लत का शिकार होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो वो यूं सोचते हैं कि उनके हालात ऐसे बन गए, उनके इर्द गिर्द बादल ऐसे इकट्ठे हो गए और उनकी ज़िंदगी में ये जो इल्लत है वो उस बैरूनी वजह से आ गई या उस बैरूनी वजह से आ गई। वो ये नहीं समझते कि अपने बारे में बंदा ये नहीं सोचता कि मेरी बनावट में कोई ख़राबी है। इसको हम अपनी ज़बान में एट्रीब्यूशनल एरर कहते हैं, फाउंडेशनल एट्रीब्यूशनल एरर, बुनियादी खराबी जो कि हमारे बनावट के अंदर बुनी हुई है, हमारे फैब्रिक के अंदर बुनी हुई। तो दूसरे के बारे में सोचते हुए हमें लगता है कि ये है ही ऐसा, अपने बारे में अगर कोई बैरूनी वजह ना समझ लगे तो बंदा कहता है मुझे शैतान ने वरगला दिया, अपनी तरफ बात आए तो मुझे शैतान ने वरगला दिया, दूसरे की तरफ बात आए तो इसके धागों में ही खराबी है। जी देखिए, बात यह है कि जो चुप रहा था तो उसने कोई काम करना था जो नहीं किया, जो उसका फर्ज मंसबी था जो उसने नहीं किया था, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से उसे लगा कि बात करने से रौला पड़ जाएगा, बात करने से रद्दअमल सामने आएगा, अच्छा भला माहौल बना हुआ है, क्रिकेट मैच लगा हुआ है, बादल आए हुए हैं, मौसम बड़ा मज़े का हो गया, गजरेला खाने वाला मौसम हो गया, तो बंदा कहता है कि इस मौसम को ख़राब ना करें। लेकिन फिर एक दिन फट पड़ता है बंदा, जब फट पड़ता है जिसे प्रोवोकिंग कहते हैं तो बहुत नदामत होती है, तो बाद में बंदा कहता है कि जब मैं फट पड़ा था तो मैंने दुनिया जहान के बुरे नामों से उसको पुकारा था। जो भी जवाब का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है, यहाँ तो मसला है कि एक एडिक्ट है, नशा कर रहा है, तो वो तो चाहता है कि उसको ना पूछा जाए, और उसको 2 महीने नहीं पूछा जाता, उसको 4 महीने नहीं पूछा जाता, और फिर एक दिन जो है वालिद के सामने वो आता है तो वो वालिद फट पड़ता है और उसके बारे में ऐसे कलमात कहता है जो कि बाद में वालिद को भी नदामत होती है। लेकिन आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आप नशा करके और टुन होकर अपने फैमिली मेंबर्स को इतने इतने लंबे मैसेजेस भेज रहे थे, जो मैंने सारे देखे हैं, सारे मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड हुए, मैं भी केड़े कम्मा च पै गया, सारे मैसेज जो कि कुछ 40 सफ़े के बराबर होंगे, 3-3 सफ़े का एक मैसेज, सारे मैसेजेस जो मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने पढ़े, द मैसेजेस डोंट मेक एनी सेंस, तो आपको वो जवाब नहीं दे रहे थे, वो आपको जवाब नहीं दे रहे थे कि अगे ही तुसी कोरोना से हो, अगे ही तुसी पता नहीं कभी दुबई पाते फिरते हो, कभी लंदन जाते फिरते हो, अगे ही तुसी घर का मूँह नहीं करते, उत्तों तुसी मैसेजेस कर करके सारे बंदियां नूं पुछदे हो कि इस गल का जवाब दो, तो उस गल का जवाब दो, तो उस गल का जवाब दो, जिहड़ा कोई बंदा कोई नहीं, किसी ने तुहाडा कोई उधार नहीं देना, घर वालियां ने हमेशा मुसीबतें ही बर्दाश्त कीतियां। तो ये वो सिचुएशन नहीं है, ये वो सिचुएशन नहीं है। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि बाप देख रहा है कि बेटा सिगरेट पीता है, फिर वो कहते चल यार सिगरेट ही है ना, वो तो सारे पीते ने, तो झाका ही रहन दो, तो उन्हें इशारिया के विच कहता है कि देख टीवी ते की दस रहे ने सिगरेट किड्डी बुरी चीज़ है, कहता हाँ बहुत बुरी चीज़ है। गल मुक्की यार, ये कितना इससे अच्छी लॉजिक जो है कोई दे सकता है कि अगर वो एक सिगरेट पींदा है तो पूछ लो तो फिर पूरी डब्बी, पहले तो वो पूछ पूछ के पींदा है,
पहले वो पूछ के पींदा है। कोई ऐसा बंदा देखे है जेड़ा अब्बा जी नू पूछ के पींदा हो कि अब्बा जी मैं दो सिगरेट पीना कल तो चार पी लां? मैनू दसो कि जेड़ा बंदा नशा कर लैंदा ना तो झाक तो खुल जाता है, क्योंकि नशा किया ही इस वास्ते जाता है कि झाका खुल जाए। मुझे बताइए कि नशा और कोई वजह मुझे बताइए। ज्यादातर लोग नशा करते इसलिए है कि झाका होंगे उन्होंने। बाद में पता चला मेरे अपने अंकल से, जनाब मैनू मासूम ना समझो, मैं बहुत झाके खोल बैठा हां। मां बाप को ये वहम होता है ना कि एदा हला झाका नहीं खुलिया। माँ बाप को तो हमेशा ये ख्याल रहता है। हाँ, वो कहते हैं ना फिश डिस्कवर वाटर लास्ट, तो माँ बाप के बीच में रह रहा होता है और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, हम चाके के नाम पे खामोश रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि घरों में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो अगर हम बोल दें तो वो ठीक हो सकती हैं, और ऐसी चीजें जो घरों में बोल देने से ठीक हो सकती हैं वो 31% है, सिर्फ बोल देने से। यानी जो चीजें कह देने से ठीक हो जाती हैं वो सारी चीजों में से 31% है। जिन चीजों के लिए बहुत माहराना मदद की जरूरत होती है या इंतजार की जरूरत होती है वो 69% होती है। तो 31% चीजें वो होती हैं जो कोई भी बंदा सिर्फ बोल दे एहतियात से, एहतराम से, कि भाई ये बात ठीक नहीं है, आप इसका कुछ कर ले। तो सिर्फ बोल देने से 31% चीजें ठीक हो जाएंगी, और जब आप बोलेंगे और 31% चीजें ठीक हो जाएंगी तो आप कितने इनकरेज हो जाएंगे, आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी कि यार तब्दीली आंदी है। तो फिर आप जो है वो 31% चीजें जब कर लेंगे तो खला पैदा हो जाएगा। कुदरत को खला पसंद नहीं, तो वो जो 69% है ना उनमें से कोई चीज जो है ना पॉप अप करके 31% वाले खाने में आ जाएगी कि मेरे बारे में की ख्याल है। क्योंकि अगर आप फर्ज करें घर में आप छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं कि यहां से कोई चीज उखड़ी हुई है आप कील लगा देते हैं, यहां से रंग उखड़ा हुआ है आप रगड़ के तो थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, तो 3 महीने तुसी मिस्त्री हो जाओगे और आप बहुत सारे काम अपने घर के करना शुरू कर देंगे जो कि अदरवाइज आप नहीं करते थे। कभी आपको वैसे किसी को तजर्बा हुआ कि कार छोटी मोटी रिपेयर, को बल्ब लाता, को बल्ब खोल लेता, कोई दरवाजा जड़ा चू चू कर दिया उन्होंने तेल दे देता, 31%। लेकिन फिर जब आप ये काम करते करते मिस्त्री बन जाते, और आपके घरों में एक डॉक्टर भी होता है जिसके दराज में सारी दवाइयाँ होती हैं, हर बंदा जाके तो उन्होंने पूछता है कि पेट दर्द हो रही है कोई दवाई है तो दो, मतलब वो एक अनडेजिग्नेटेड डॉक्टर भी मौजूद होता है, हर घर च एक मिस्त्री भी मौजूद होता है, हर घर च एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। और मार्जिन ये है कि 31% जो है स्ट्रेट वे कामयाबी है। और जब आप कुछ मसले हल करते हैं 2-4-5 तो वो 31% में खला पैदा हो जाता है, 31 जो है 27 रह जाते हैं, अब 27 नहीं चाहिए। तो जो 69% मसले हैं थोड़े मुश्किल वाले उनमें से 4-5 जो है उछल के उधर आ जाते हैं और नंबर्स पूरे हो जाते हैं। आप देखते हैं कि ये नए नंबर आ गए हैं कुछ, इसमें वो 4-5 मसले जो भी हल कर सकते हैं आप और वो उधर मौजूद हैं तो आप उधर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता 69% वाले मसले जो कि अनसॉल्वेबल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 31% वाले खाने में आना शुरू हो जाते हैं और आप उनको हल करते चले जाते हैं, वहां भी नए मसले आ जाते हैं।
नहीं कर नहीं रहे, मसले नए मसले जनरेट होते हैं हमारी जिंदगी में। पहले आपको कारोबारी मसाइल थे, फिर आपको सेहत के मसाइल हो गए, फिर किसी मसाइल ने इट मार कर दी, मतलब कुछ ना कुछ मसले आ भी रहे होते हैं नए। ऐसा कोई नहीं है कि आपने मसले हल कर दिए तो नया मसला कोई नहीं आएगा। लाइफ इज लाइक दैट, कि लाइफ इज ए प्रॉब्लम जनरेटर और आप उसे सॉल्व करते हैं। तो रेशो वही रहेगी, चाहे आप बहुत अफलातून हो जाएं, आप बड़े मसले हल करने वाले हो जाएं, रेशो वही रहेगी। 31% सॉल्वेबल, 69% सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप वॉक करते हैं, खाना सही खाते हैं, टेंशन नहीं लेते, अपनी इंसुलिन सही लगाते हैं, तो आपकी HbA1c 5.5 पे रहती है, तो क्या डायबिटीज चली गई? तो डायबिटीज तो वही है। तो फिर फायदा ये है कि आप फंक्शनल हो जाएंगे, आप कमाऊ हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपको दर्दे नहीं उठेंगी। इसी तरह जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको हल करते रहेंगे तो 10 साल अगर हम इस काम में मगन रहें तो 10 साल के बाद तो फिर हमारे ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद भी फिर मसले हैं। और फिर वही 31% और 69%, जिसका मतलब है तीन में से दो हल नहीं हो सकते, तीन में से एक हल हो सकता है। तो जो तीन में से एक हल हो सकता है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर अभी अभी बच्चे ने सिगरेट पीना शुरू किया है अभी अभी, और ये 31% में है, और आप उसे कुछ नहीं कहते, आप कहते चक्का खुल जाएगा, तो मैं नहीं कहता, यदि माँ कहेगी, माँ पहले ही कहती है कि अच्छा मेरा पुत्र फिर क्यों है, सारे बच्चे पींदे हैं आजकल। तो बात इस तरह ख़राब होती है। लेकिन अगर उसी वक्त बात कर ली जाए उससे, एक 12 साल का बच्चा है जो आमतौर पर सिगरेट पीता है, और उसको आपकी तरफ से बड़ी मोहब्बत चाहिए, शफकत चाहिए, वो अभी बिगाड़ उतना नहीं हुआ, उसको आपकी तरफ से बर्गर भी चाहिए, वो अभी उसको मशीरान भी नहीं मिले, उसके अभी एडवाइज़र भी कुछ ज़्यादा नहीं हुए, अभी उसका मसला भी नया नया ही है, तो आप उससे बैठ के बात करते हैं कि भाई ये आपने सिगरेट पिया है, दो मौक़ों पे देखा गया है आपने सिगरेट पिया है, तो आपका मसला क्या है? आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, या आपको अंडर सर्वेलेंस रहना होगा, और आपको ये करना होगा या वो करना होगा। मुझे बताइए कितने परसेंट वालदैन हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग अपने बेटे को ये कह सकें कि भाई तुम्हारे सेमेस्टर की फ़ीस मैं जब भी दूंगा, तुम्हारा TLC होगा तो दूंगा। एक ऐसे बच्चे को जो जिसने कभी पकड़ा नहीं गया नशा करते हुए, उसके पकड़े जाने का इंतज़ार करेंगे, या आप कहेंगे कि भाई 6 लाख रुपये तुम्हारी फ़ीस है सेमेस्टर की, और मैं चाह रहा हूं कि तुम ज़रा TLC दे दो। जरूरत नहीं है ना, तो वे वालदैन की जरूरत नहीं रही। 50 साल पहले क्या सूरत हाल थी? मैं नहीं कहता कि आज भी लित्र उतार ले, पर बात तो कर सकें कि जनाब आपका TLC चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस देनी है 6 लाख, आपका TLC चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी वाले कह सकते हैं कि जो नौनिहाल हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा हक है कि उनसे जब चाहे TLC मांग लें? वो भी नहीं कहेंगे, कारपेट के नीचे रखेंगे, चक्का रहना चाहिए था। जी नुकसान का तो मुझे नहीं पता, पर शेम का एलिमेंट है कि जब हम देखें, जब हम अपने रीहैब में TLC लेते हैं और वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो इट इज़ रिलेटिवली नॉर्मल थिंग कि रीहैब में या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो बड़ी तरथली मच सकती है, कहते हैं कि हो गया। वो जहालत का ज़माना था, वो जो हड्डियों और मांस की इस तरह बात करते थे वो कोई अच्छा ज़माना नहीं था। वो एक एक्सट्रीम थी, ये दूसरी एक्सट्रीम है। लेकिन बात करना, अपने बेटे से बात करना मुश्किल क्यों हो जाता है? और हालांकि
हर किसी का ये इख्तियार है कि वो बेटे से बात कर सके, उसका हक है कि वो बेटे से बात कर सके, और खुसूसन अगर वो अंडर 18 है तो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बात कर सकता है। लेकिन बेटा बेटा ही होता है, चाहे वो अंडर 18 हो या अंडर 30 हो, और ख़ास तौर पर अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाप की तरफ से फ्लो करते हैं तो उसे ज़्यादा आसानी होनी चाहिए बात करने में, कि वो अपने बाप होने के असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए बात करे, और अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लगा दे, और जब वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लगाएगा तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, कहता बड़ा कमीना आदमी है। तो चाचा क्या बोलेगा, हाथ हौला रखो, नौजवान बच्चों से ऐसे नहीं करते। देखिए बात सिंपल सी है कि उस वक्त तो इज्तमाई तौर पर बंदा मोहल्ले के बच्चों को भी कुछ कह लेता था। अभी तो अगर आपका बच्चा आपके भाई के पास जाता है तो आपका भाई आपके साथ नहीं बच्चे के साथ खड़ा होता है। रीज़न ये है कि उनका जो कल्चर है वो खौफ पैदा करता है। अभी कल परसों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अभी पूरा नहीं देखा, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो इंटरव्यू, बड़े वो ख़ास इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू आसफ जरदारी का इंटरव्यू था, और वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था, कहते हैं जड़ा मेरा पुत्र गल्ला करता है ना कि बाबे सारे निकल जान सियासत चो, ए हलन समझ नहीं गई, ए अंडर ट्रेनिंग है, दी हलन ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो कहते फिर तुम इन समझाते क्यों नहीं, कहते की समझावा, घर घर का मसला है, अगर मैं समझावगा तो वह कहेगा तुम संभालो सियासत, मैं चलिया दुबई। तो वो इंटरव्यू हालां सुखा भी नहीं सी, हालां गिला ही सी इंटरव्यू, चलता पिया सी इंटरव्यू, और वो प्राइवेट जेट पर बैठ के ते वो दुबई चला गया, मगर ही मगर वो भैन भी चली गई मनान ली, तो मगर ही मगर प्यो भी चला गया। कहते बड़ा वक्त पै जाएगा, अगर मतलब मैं उन्होंने कहाँगा ना, कहते इन समझा क्यों नहीं तुम अपने बच्चे एवं ही बाबिया नाराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी टिकट तो मैं देना है, तो ये बातें उसने की तो बेटा नाराज हो गया। उन्हें कहा जी टिकट तो मैं देना है, जोड़ा इलेक्शन का टिकट है वो मैं देना है। उन्हें कहा लेकिन साड़ा कल्चर है जिदा हो गया, घर घर की कहानी है, ये बात पता नहीं आप में से किसी ने सुनी क्या, घर घर की कहानी है। तो आप अंदाजा करें कि इतना शातर सियासतदान, इतना मालदार बंदा जिसका प्रॉबेबली ये एक ही बेटा है, तो जी वो बेबस है, नहीं वो बेबस है ना। लेकिन असल बात तो ये है, असल बात तो ये है कि 2013 में जरदारी साहब मेरी ट्रेनिंग में थे, उस वक्त कोई मसला था और उस ट्रेनिंग में थे, और वो उस मसले से निकल आए थे। अब उनको याद नहीं आया कि बात ही कर लें, अब उनको तो याद नहीं आया कि 2013 में मैं जब वो प्रेसिडेंट थे और मैं प्रेसिडेंट हाउस जाके तो उनसे मिला करता था, और भिंडी खाना मैंने वहाँ से सीखा था, और अच्छी खुराक क्या होती है वो मैंने उनसे चंद बातें सीखी थी। तो वो बड़े फ्रेंडली, बड़ा अच्छा तालमेल वाले, बड़े प्यार मोहब्बत से बात करने वाले हैं, पर वो भूल चुके हैं। वो समझते हैं कि अब वो सीख नहीं सकते, वो समझते हैं कि अब वो सीख नहीं सकते, जो सीखना था सीख लिया है। ये जो ख्याल होता है कि जो मैक्सिमम मैंने सीखना था मैंने सीख लिया है, हालांकि बच्चा वो बहुत अच्छा है, बिलावल बहुत अच्छा बच्चा है, कोई ड्रग्स नहीं करता, बहुत अच्छी एजुकेशन मुकम्मल की है, आला नंबरों से सारे इम्तिहान पास किए हैं, कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई मसला नहीं, सीधा सियासत में आ गया यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद। लेकिन कभी ना कभी बंदा सियासत में लूज टॉक थोड़ी करता है, हलचल मचाने के लिए, थोड़ा नज़रों में आने के लिए, प्रॉबेबली जी ऐसे ही पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब IMF आपके साथ शरायत रखता है कि पैसे मिलेंगे पर शरायत होंगी, क्योंकि IMF जो है वो कोई कारोबारी अदारा नहीं है,
IMF जो है फलाह बहबूद का एक अदारा है, उन मुल्कों की मईशत को सुधारने के लिए जहां अवाम को मुश्किल है और उनकी जो शरा सूद होती है वो दुनिया में सबसे कम होती है सिर्फ अपने खर्चे निकालने के लिए। तो IMF जो है कहता है कि जी ये काम करो, बिजली का बिल बढ़ाओ, सब्सिडी मत दो, पेट्रोल में लेवी लगाओ, फलां करो, ये करो, वो करो, तो पैसे रोक के वो करता है कि पैसे रुके हुए हैं, सुधर जाओ तो मिल जाएंगे, और पूरी कौम सुधरने में लग जाती है तो बाद में मिल जाते हैं थोड़े बहुत पैसे। लेकिन मुझे बताइए कि मुल्क मुल्कों के साथ भी ऐसा करते हैं। ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, पता नहीं 40 साल हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर और भी मुल्कों के ऊपर लगी हुई हैं। तो पैसे को रोक के रवैयों को बदलना, इवन गाँव में हुक्का पानी बंद करना, किसी को ज़बरदस्ती प्रेशराइज करना कि सुधर जाओ, ये पुरानी रवायतें हैं। लेकिन मुझे बताइए कि वालिद अगर पैसा रोकता है तो हर बंदा कहता है बहुत कमीनी हरकत कर रहा है। किसी को सुधारने के लिए जो एक टूल है, जो कि बड़ा अहम टूल है, पैसा एक एनर्जी है जो हर एक को चाहिए, हर एक को नया आईफोन चाहिए, हर एक को नई गाड़ी चाहिए, हर एक को वक्तन फोक्तन ये चाहिए, और वो एक बंदा जिसे लोग कहते हैं कि मैंने भी अब्बा रखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि वो अपने बातचीत को मनवाने के लिए और हदायत देने के लिए और सीधे रास्ते पे लाने के लिए ये आसानी से क्यों नहीं कह सकता कि तुम्हारा खर्चा इसलिए रोका हुआ है कि तुम सुधार नहीं कर रहे, तुम्हें नई गाड़ी इसलिए नहीं लेके दी जा रही कि तुम अपने अंदर संवार नहीं पैदा कर रहे, तुम बदल नहीं रहे जैसे रिक्वायर्ड है, तो वो क्यों कहता है? मुझे बताइए कि इसकी बुनियादी वजह आप बताएंगे, फिर हम अपनी सेरेमनी की तरफ बढ़ें। कोई आप में से बता सकता है कि जो पैसा खर्च करता है घर में वो क्यों इसको इतना अंडरमाइन किया जाता है? क्या ये मामूली बात है पैसा खर्चना? क्या पैसा कमाना मामूली बात है? ना, पैसा कमाना मामूली बात है, जब कोई कमाने निकलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि पैसा कैसे कमाता है। ना पैसा कमाना मामूली बात है, ना किसी पे खर्च करना मामूली बात है। एक बाप है जो सारा दिन जाता है, कभी रिक्शा चलाता है, कभी ऊबर चलाता है, कभी बाइकिया चलाता है, और घर में आके अपने बच्चों को और बीवी को पैसा देता है। एक बाप है जो मुल्क से बाहर जाता है और गर्मी के दिनों में अरब के रेगिस्तानों में मजदूरी करता है और साल में एक दफ़ा एक महीने के लिए आके घर पे रहता है। तो मुझे बताइए कि ये जो पैसा कमाना है अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, क्या ये कोई बहुत मामूली काम है? और जब वो कहता है कि सुधर जाओ नहीं तो मैं रोक दूंगा, तो हर कोई उसको लानत मलामत करता है। तो उसकी वजह ये है कि ना पैसा कमाना हमारे यहाँ मुअज्ज़ज़ है, ना पैसा किसी के ऊपर खर्च करना मुअज्ज़ज़ है। ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि उसका फ़र्ज है, करना नहीं, खर्च नहीं करना, जमिया नहीं सी, पर इस तरह की बातें सुनने को। ये आप पूछिए। कितनी कितनी ज़बरदस्त बात की। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। तो तो बहुत ही अच्छी बात, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इन्हीं लाइनों पे सोचने की तौफीक दे कि माँ बाप का जो अदब एहतराम है वो करें कि यहाँ तक नौबत ही ना आए कि वो खर्च रोक के आपको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करें। जी देखिए, जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, तब भी लोग बहुत सीख रहे हैं, लोग अपने तजर्बात से भी सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मिथ्स हैं, जो पुरानी गलतफहमियां हैं, उनका अजाला बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं
तो आपको इससे हक मिलता है कि आप उनकी हदायतकारी करें, उनकी रहनुमाई करें, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी चॉइस नहीं है। बच्चों की तरबियत करना आपकी मर्जी नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ मनसबी है, ये इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और औलाद के बारे में इंतबाह भी किया गया है, औलाद के बारे में कहा गया है कि यह फितना है। हमारे यहाँ लफ्ज़ों को बाज़ औक़ात बहुत गलत मानों में लिया जाता है और फितने के लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। अगरचे ये बुरा है, लेकिन आप सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है औलाद के लिए कि माँ बाप के लिए औलाद फितना है, तो अल्लाह का इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज़ जो है वो बुरा नहीं हो सकता। उसमें सोच विचार की गुंजाइश हो सकती है कि ये आपको कड़े इम्तिहान में डाल देता है, आपकी ओवरफ्लो करती हुई मोहब्बत जो है वो इसकी राह में आड़े आ जाती है और आप अपने हाथों बेटे के लिए बाज़ुकात गलत फैसले कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक सीखने का अमल है, और ये जो हम आपसे बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ हमें करना आता है। हम आपके साथ कदम ब कदम ये सीख रहे होते हैं और उन दुश्वारियों में से गुजर रहे होते हैं जिनमें से फिर आप गुजरते हैं। तो हम आपकी जगह हो के सोच सकते हैं कि हमारा जिनका दिन रात काम यही है, उनको कितनी मुश्किल पेश आती है अपनी ज़िंदगी में इन इकदामात को बुरकार लाने में। तो जो लोग अभी इतने ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने अभी ये रोशनी नहीं पाई, तो उनको कितनी मुश्किल आती होंगी। तो जब आपसे ये नहीं हो पाता तो हमारी नज़र में आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो हमारी नज़र में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ कोशिश करने पे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप झंडे गाड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई छलांगे मार के आसमान की तरफ जाएं। आराम से बात करें, अनमोल तरीकों पे चलें जिसके अंदर यह है कि फ़ज़ा को साजगार रखें, थोड़ी देर के लिए बात करें, एक वक्त में एजेंडे पे एक चीज़ रखें। अगर 10 चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ हैं तो एक को पकड़ लें, बाकी 9 को छोड़ दें, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी अहम नहीं हो सकती। एक चीज़, दूसरी चीज़, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। जैसे इंटरवेंशन डाटा में हम कहते हैं कि अगर आपके पास 6 वाक़ियात हैं जो इंटरवेंशन डाटा से मुतल्लिका हैं और उनमें से 2 वाक़ियात जो हैं कच्चे पक्के हैं उनको छोड़ दीजिए, जो 4 वाक़ियात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सॉलिड हैं, अनडिनाइबल हैं, अनक्वेश्चनेबल हैं, उनकी तरफ आ जाएं और रेलिवेंट बात करें। जब भी घर में बात करें छट्टा ना लगाएं, बस एक बात कर लें कि ये एक बात है, इसकी बड़ी तकलीफ़ है। और आप जब बात करते रहेंगे कि इसकी बड़ी तकलीफ़ है, तो घरों में कोई ना कोई होगा जो दर्द दिल रखता हुआ आपकी जो तकलीफ़ वाली बात है उसका कोई ना कोई सामान पैदा करेगा, कोई ना कोई मरहम तो उस पर रखेगा। प्लीज़ आउटडोर चिप मंसूर अहमद साहब, कुछ बोलेंगे मंसूर? चल ठीक, ये रख। 70 डेज कंप्लीशन, सॉरी आउटडोर है रजा सियालवी साहब के।
40 Days Outdoor, Dr. Anam. Noj, shabash beta. Shabash. Ye bhi. I would like to pay thanks to Dr. Sadakat, my parents and my counselors, Ms. Shumaila and Nadeem Noor. Thank you.